में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरे दिन की बैठक खत्म हो चुकी है। जो जानकारी आ रही है वो आपको बता रहे हैं। तो बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का बयान भी सामने आया है। दीपक बावरिया का बयान इस बीच सामने आया, सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हो चुकी है। दीपक बावरिया का बयान कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी और जानकारी फिलहाल यही मिल रही है कि दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। स्पर्श शर्मा संवाददाता फोन लाइन में हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, क्या कुछ फिलहाल रहा है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली में आज तीसरे दिन आज जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संपन्न हो चुकी है और 90 की 90 सीटों पर अब जो है चर्चा जो है हो चुकी है। 2500 से ज्यादा आवेदन हरियाणा कांग्रेस के पास जो है आए थे, ऐसे में उनको स्क्रूटनी करने का काम जो है किया गया है और कल अंतिम दौर की एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती हुई नजर आएगी और उसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते की बात की जाए 2 या 3 तारीख को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती हुई नजर आ सकती है और जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय किए गए हैं यानी जो पैनल बनाया गया है वो पैनल जो है अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति में मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, इसके अलावा राहुल गांधी होंगे और वो फिर अंतिम निर्णय जो है वो तमाम सीटों पर जो है लेते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, 90 की 90 सीटों पर मंथन हो चुका है, ये मानकर चले कि जो कैंडिडेट्स के नाम है उनको लेकर स्थिति जो है स्पष्ट अभी होती नजर आ रही है या पार्टी आला कमान की तरफ से मोहर लगना बाकी है और नामों का ऐलान जल्द संभव माना जाए? देखिए 90 सीटों पर चर्चा हो गई है, स्क्रीनिंग कमेटी का काम है आप पैनल बनाना। ज्यादातर विधानसभा सीटों की बात की जाए कम से कम 3 नामों का जो पैनल है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम जो है वो आज जो है स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो है बनाया गया है और उसके साथ में अभी जो तमाम नाम होंगे वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाते हुए नजर आएंगे और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति क्योंकि अपना एक सर्वे जो है केंद्रीय आलाकमान का देखने को मिलता हुआ नजर आता है उससे फिर मिलान करके कौन उपयुक्त कैंडिडेट होता हुआ नजर आ सकता है हरियाणा कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में वो लिस्ट जो है जारी करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो सितंबर का पहला हफ्ता होगा वहां पर जो कांग्रेस है वो अपनी जो पहली प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिलहाल हुई है और कल स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होने जा रही है। पैनल बनाकर जो है उस रिपोर्ट को आगे भेजा जा रहा है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई है।